सलमान खान और पूजा हेगड़े की शादी की खबरें सुनकर कतरीना कैफ ने पूजा हेगड़े को सलमान खान के साथ शादी के हवाले से बहुत बड़ी बात कह दी, जिसे सुनकर पूजा हेगड़े बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। पूजा हेगड़े इस सोच में पड़ गई कि वो सलमान खान के साथ शादी करें या ना करें। कतरीना कैफ ने आखिर पूजा हेगड़े को ऐसा क्या कहा कि पूजा हेगड़े सलमान खान के साथ शादी करने के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। इस हवाले से सारी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड के दबंग हीरो सलमान खान हर वक्त किसी न किसी हवाले से सोशल मीडिया का हिस्सा बने रहते हैं। सलमान खान की ज़िंदगी के साथ जुड़ी सब अभिनेत्रियाँ आज भी सलमान खान को याद करके आहें भरती हुई नज़र आती हैं। खबरें हैं कि सलमान खान और पूजा हेगड़े के लव अफेयर की खबरें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा छाई हुई हैं। दोनों के लव अफेयर की खबरें मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। इस हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि सलमान खान और पूजा हेगड़े की शादी की खबरें सुनकर कतरीना कैफ ने पूजा हेगड़े को सलमान खान की शादी के हवाले से बहुत बड़ी बात कह दी। कतरीना कैफ ने पूजा हेगड़े को सलमान खान के साथ शादी करने के हवाले से बहुत बड़ा मशवरा दे दिया। कतरीना कैफ ने बताया कि सलमान खान ने अगर 57 साल तक शादी नहीं की तो अब भी शादी नहीं करेंगे। अब उनकी शादी की कौन सी उम्र है? अगर उन्होंने शादी करनी होती तो वो कब की कर चुके होते। कतरीना कैफ ने मजीद बताया कि सलमान खान रश्मिका मंदाना को इग्नोर करके अब तुम में इंटरेस्टेड हैं, कल वो तुम्हें भी इग्नोर करके किसी और के साथ लव अफेयर चला रहे होंगे, इसलिए मेरा मशवरा यही है कि सलमान खान की बातों में मत आना और अपनी उम्र का कोई भी लड़का देखकर उसके साथ शादी कर लो। बताया जा रहा है कि जब पूजा हेगड़े ने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो इस सोच में पड़ गई कि क्या वो वाकई सलमान खान के साथ शादी करें या नहीं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।